और मध्य प्रदेश में स्कूली बच्चों से मनमानी फीस की वसूली की जा रही है। निर्धारित दुकानों से किताबें और अन्य सामग्री स्टेशनरी सामानों पर भी रोक लगाने की मांग की गई है। बाल कांग्रेस के पदाधिकारियों ने इस संबंध में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। इस मौके पर बाल कांग्रेस के जिलाध्यक्ष जैद कद्दूसी ने कहा कि मध्य प्रदेश की स्कूल शिक्षा विभाग की बदहाली का शिकार मध्य प्रदेश के मध्यम और गरीब तबके के लोग कर रहे हैं। प्रदेश में हजारों की संख्या में बड़े और छोटे प्राइवेट स्कूल संचालित हैं। स्कूलों में बच्चों की मनमानी फी की वसूली तो की ही जा रही है, वहीं जबरन उनके लिए कॉपी किताबें ड्रेस टाई बेल्ट जूते मोजे स्कूल द्वारा निर्धारित दुकानों से ही खरीदे जाने का दबाव बनाया जा रहा है। ये हम उचित मंच पर पहुंचा देंगे ताकि आप लोगों का जो भी मांग है स्कूल में तो मनमानी फीस वसूल रहा है, इसलिए बाल आयोग ने आज आपको ज्ञापन दिया है। हाँ, उसकी जांच भी कर लेंगे और उचित मंच पर ज्ञापन पहुंचा देंगे। शहर में काफी प्राइवेट स्कूल है जो एक ही जगह से कोर्स लेने को मजबूर करते हैं। आपने लिख दी है वो बात, वो हम उसकी जांच किया है। ये हम उचित